जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांड ऑफ एडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली है ये CISF और SSB में क्या क्या डिफरेंस है, इनकी ड्यूटीज़ क्या 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 है, इनमें कितने डिफरेंट है, उनके बारे में ये वीडियो है पूरा का पूरा। तो आप एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंट है, क्योंकि कईयों को ऐसा लग रहा है जैसे SSB का काम पता नहीं कितना हार्ड होगा या CISF का काम कितना हार्ड होगा। तो जिनके CISF फर्स्ट चॉइस है उनको कई बार SSB मिल जाती है, SSB वालों को जैसे अदर फोर्स मिलती है या उनकी CRPF चॉइस है उनको SSB मिल जाती है, तो उनको दिल में ऐसा रहता है कि पता नहीं ये फोर्स कैसी है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चले कि SSB और CISF इनमें कितने क्या क्या डिफरेंस है और आपको इनमें से कौन सी चॉइस करनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेथ अकेडमी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आने वाली वैकेंसियाँ कौन कौन सी है। नई नई अपडेट मैं उधर देता रहता हूँ, जितनी भी नई वैकेंसी आती है उसके बारे में, उनकी तैयारी कैसे करें इसके बारे में भी मैं उधर बताता रहता हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं CISF और SSB में क्या क्या डिफरेंस है। दोस्तों, CISF के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, जैसे फिर भी मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ, फिर SSB के बारे में बताऊँगा। CISF जैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, क्योंकि CISF काफ़ी हाईलाइटेड भी रहते हैं, जैसे एयरपोर्ट एरिया ड्यूटी करती है, मेट्रो में ड्यूटी करती है, इंडस्ट्रियल एरियो की रखवाली करती है, जैसे बड़े बड़े जो प्लांट हो गए उनके बारे में, इसलिए आपको सभी को इसके बारे में काफ़ी पता है, क्योंकि आप एयरपोर्ट गए हो या मेट्रो में कहीं ना कहीं सफ़र किया हो तो आपने CISF के बारे में ज़रूर देखा होगा, इसलिए आपको CISF के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो इसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो जो CISF की जो ड्यूटीज़ होती है उसके बारे में बता दूँ कि ज़्यादातर जो CISF की ड्यूटी होती है एयरपोर्ट, मेट्रो और इंडस्ट्रियल एरियो के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी भी CISF करती है, और शांति, देश में आंतरिक शांति के लिए भी ड्यूटीज़ करती है। दोस्तों, इसके अलावा CISF की अगर आप पे देखो तो सभी जैसे CAPF यानी है होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो जिस प्रकार से CAPF यानी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स की जो पे स्केल रहता है, CISF का भी वैसा ही पे स्केल रहता है। इसके जो रिस्क अलाउंस है वो कुछ अलग प्रकार के अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप से होते हैं, ये सभी फोर्स के अलग अलग होते हैं, बाकी DA HR सभी के सेम होते हैं, जो पे स्केल है बाकी पूरा का पूरा सेम होता है। सर्विस रिटायरमेंट के जो नियम है वो सभी के सेम है, रिटायरमेंट के जो इसमें रूल है वही सभी में। छुट्टियाँ CISF में आपको पता है 15 दिन CL और 30 दिन EL, मतलब 45 दिन की ही छुट्टी मिलती है। SSB में 2 महीने EL और 15 डेज CL यानी 75 डेज की लीव मिलती है। दोस्तों, इनके जो ड्यूटी कम छुट्टी मिलती है, क्योंकि इनको 1 महीने की पेमेंट एक्स्ट्रा मिलती है, मतलब 13 महीने की पे एक्स्ट्रा मिलती है, 1 महीने की इनको पेमेंट एक्स्ट्रा मिलती है। दोस्तों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि CISF में ड्यूटी करने पर आपको फैमिली रखने की सुविधा सबसे ज़्यादा मिलती है, इसलिए इसमें जो छुट्टी का प्रावधान है वो थोड़ा सा कम है। दोस्तों, यानी 45 दिन ही छुट्टी मिलती है। इस ड्यूटी के अलावा जो इसकी जो ट्रेनिंग का जो होता है या जो लड़कियों की जो ड्यूटी रहती है इसमें, वही ड्यूटी सेम रहती है, चाहे मेट्रो हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे इलेक्शन ड्यूटी हो गई या एयरपोर्ट ड्यूटी हो गई, इन्हीं में लड़कियों की ड्यूटी रहती है, ज़्यादा फर्क नहीं है। सेफ फोर्स मानी जाती है इसलिए, क्योंकि यहाँ कम रिस्क वाले इलाकों में इसकी ड्यूटी होती है। दोस्तों, क्योंकि नक्सलियों के साथ लोहा नहीं लेती, आतंकवादियों के साथ लोहा कम लेती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया और देश में जैसे एयरपोर्ट हो गए, इनकी सिक्योरिटी करती है, तो इससे माना जाता है कि CISF सेफ फोर्स है। दोस्तों, अपने खुद ने भी इसीलिए इसकी जो मेरिट रहती है हर बार SSGD में वो काफ़ी टॉप पर रहती है, NIA SSF के बाद में अगर थर्ड नंबर पर किसी की मेरिट रहती है कई स्टेट में तो CISF की ही रहती है, ज़्यादातर स्टेटों में CISF की मेरिट अप रहती है। दोस्तों, ये आपने भी देखा होगा। तो जो इसकी ड्यूटी के बारे में, तो आपको ड्यूटी के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ नहीं पता है, जैसे मैंने बता दिया कि इस प्रकार की इसकी ड्यूटी होती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, ट्रेनिंग इसकी 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, छुट्टियों का बताती है, पे स्केल इसका इसी प्रकार से होता है, रिटायरमेंट की जो सुविधा है वो 57 साल एज तक आप इसकी सर्विस कर सकते हो। आपको पता है जिस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्स में सभी में पेंशन की सुविधा है NPS के द्वारा, जो आपको बाकी सब पैरामिलिट्री फोर्स में मिलती है वो इसमें मिलती है। CPSC कैंटीन की सुविधाएँ मिलती है, जो सभी पुलिस फोर्स हो या आर्मड फोर्स हो उनको मिलती है, वही आपको मिलती है। दोस्तों, तो इस प्रकार से इसमें ये सुविधा है। अब SSB के बारे में अगर हम बात करें, SSB के बारे में आपको बहुत कम पता है, सशस्त्र सीमा बल, इसके बारे में लोगों को नहीं पता रहता है कि SSB विशेष रूप से ड्यूटी क्या करती है या इसकी ड्यूटी क्या रहती है। तो मैं बता दूँ, जो SSB विशेष रूप से जैसे भारत, नेपाल और भूटान जो बॉर्डर है इसकी निगरानी करती है। दोस्तों, आपको पता है कि नेपाल में और भारत में आने जाने के लिए किसी वीजे की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी आ जा सकते हो, तो ऐसा माना जाता है कि फिर इसमें इस बॉर्डर की ड्यूटी क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर इस बॉर्डर की ड्यूटी नहीं करेंगे तो देश में कई प्रकार के असामाजिक तत्व आ सकते हैं, गोला बारूद या कुछ भी अन्य नेसेसरी काम हो सकते हैं जिनका होना नहीं चाहिए, इसीलिए इसकी जो विशेष ड्यूटी दी गई है वो भारत नेपाल बॉर्डर पर दी गई, जो कम रिस्क वाला ड्यूटी माना जाता है, जहाँ जानकारी क्यों, क्योंकि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, और भूटान में तो आपको पता है भूटान सीमा पे इसको दे रखा, लेकिन भूटान की खुद में अब जो सुरक्षा है भूटान की वो इंडियन आर्मी करती है, मतलब इंडियन आर्मी के जवान ही भूटान आर्मी के रूप में काम करते हैं, तो भूटान से भी हमारे देश के रिश्ते शुरू से बहुत ही अच्छे रहे हैं, इसलिए उस
SSB में भी रिस्क बहुत ही कम है, इसीलिए इन दोनों फोर्स को बहुत ही कम रिस्क वाला माना जाता है। जो SSGD आती है उसमें सबसे कम रिस्क वाले यही माने जाते हैं कि CISF और SSB, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियों की फोर्स, इनके लिए अच्छी मानी जाती है, इनकी जॉब अच्छी मानी जाती है। तो एक तो इनकी जो ड्यूटी हो गई वो इस प्रकार से ड्यूटी हो गई कि जो भारत नेपाल और भारत भूटान की जो सीमा है इसकी ड्यूटी करते हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सभी जगह अब SSB फैल चुकी है दोस्तों। सभी स्टेट में इसकी ड्यूटियाँ हैं, जैसे CISF भी पूरे देश में फैल रखी है, उसी प्रकार से SSB भी हर एक स्टेट में आज SSB के कैंप और SSB ड्यूटीज़ करती है दोस्तों। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो आपको देश के सभी स्टेट में काम करने का मौका जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा SSB साथ में जो भीड़ नियंत्रण हो गया या आपदा के समय काम है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटी है, ये भी SSB करती है। SSB में जो छुट्टियां मैंने बताया था इसमें 60 दिन EL और 15 दिन CL होती है दोस्तों। इसके अलावा रिस्क अलाउंस इसका अलग टाइप का होता है, बाकी जो पे स्केल है वो इसकी और CISF की दोनों की बराबर है, ड्यूटीज़ भी दोनों की बराबर है, ड्यूटीज़ में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जैसे वो इंडस्ट्रियल एरिया की करती है और ये भारत नेपाल सीमा के साथ साथ जो देश में जैसे इलेक्शन ड्यूटी करती है या भीड़ नियंत्रण करती है, आपदा प्रबंधक की जो ड्यूटी NDRF के रूप में, NSG कमांडो इसके भी बनते हैं, CISF के भी बनते हैं, SPG कमांडो CISF के भी बनते हैं, इसके भी बनते हैं। CISF में जो निंजा कमांडो होते हैं इसके SSB के अलग से कमांडो होते हैं, उनका शायद नाम SSF से कुछ इस प्रकार का अलग से थोड़ा सा नाम है, स्पेशल सिक्योरिटी कुछ इस प्रकार का नाम है, तो वो कमांडो बनते हैं दोस्तों। बाकी NSG इस प्रकार के कमांडो बन सकते हैं। इसके अलावा जो SPC जो SSB का जो काम है वो रोज जो आपके पता है भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसको सशस्त्र सहायता देने के रूप में भी काम करती है, मतलब उसका प्रोटेक्शन का भी काम करती है, साथ में VIP प्रोटेक्शन का भी काम करती है SSB अभी प्रेजेंट टाइम में। CISF भी VIP प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि CISF की विशेष टीम होती है जिसमें VIP प्रोटेक्शन टीम होती है, जिसका कोर्स करते हैं, कमांडो कोर्स करने के बाद में VIP प्रोटेक्शन में काम करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं, दोनों में ज़्यादा सिमिलरिटी है, दोनों की जॉब सेफ मानी जाती है SSGD में। तो चाहे आप SSB में सेलेक्ट हुए हो चाहे CISF में, दोनों ही आपके लिए बेटर है दोस्तों, ठीक है। या आप इनमें से अगर कोई चॉइस करना चाहो तो CISF भी चॉइस कर सकते हो, SSB मैंने बता दिया, SSB जो भारत नेपाल और भूटान सीमा की निगरानी करता है, उसके साथ में इलेक्शन ड्यूटीज भी करता है, और अभी प्रेजेंट टाइम में देश के 29 में से शायद 21 या 22 स्टेट में SSB के कैंप है दोस्तों। तो मतलब पूरे देश में ही ये ड्यूटीज़ करता है। CISF की भी इसी प्रकार है, CISF पूरे देश में फैली हुई है, 29 स्टेट में। तो इन दोनों फोर्स में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो और बहुत ही अच्छी ड्यूटीज़ है। अगर आपका इन दोनों में फोर्स में से किसी में भी सिलेक्शन होता है तो अच्छा है। इनका जो पे स्केल, रिटायरमेंट स्केल, NPS सुविधा, NSG कमांडो, SPG कमांडो, ये सभी सेम है, लड़कियों के लिए भी ड्यूटी जिसकी सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। वो सशस्त्र सहायता प्रदान करता है रो खुफिया एजेंसी को, उसके साथ साथ भारत नेपाल और भूटान की सीमा देखता है, और CISF है ये आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट एरिया या मेट्रो एरिया, इस प्रकार की ड्यूटी देश में करता है दोस्तों। तो ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है, दोनों की ड्यूटी सेम ही है। अगर आपका इनमें से किसी में भी सिलेक्शन होता है, लड़कियों के लिए भी ये दोनों फोर्स अच्छी मानी जाती है और अच्छी ही है, वैसे सभी फोर्स अच्छी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी मानी जाती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।